हेलो वेलकम टू बैक न्यू वीडियो। कैसे हैं दोस्तों? आज हम अभी घर पे हैं तो घर पे कुछ स्पेशल बनाने वाले हैं और मुझे चैलेंज मिला है कि घर पे कुछ स्पेशल बना के दिखाना है। तो मैंने यहाँ पे मटन का कुछ स्पेशल बनाने वाला हूँ, तो वीडियो पे बने रहना दोस्तों, आपको पता लगने वाला है कि मैं घर पे खाना बना पाता हूँ कि नहीं बना पाता हूँ। घर में खाना बनाना इतना भी आसान नहीं है दोस्तों। तो मैंने यहाँ पे मटन का कीमा ले लिया है और इसमें मैंने 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया हूँ। डालने के बाद दोस्तों इसमें हम अब डालेंगे प्याज। प्याज और मिर्ची को अच्छी तरीके से फाइन कीमा करके डालने वाले हैं। इसका जो डिश का नाम है मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूं दोस्तों, तो वीडियो पे बने रहना। घर पे खाना बनाना इतना भी आसान नहीं है। तो हमने यहाँ पे प्याज को अच्छी तरीके से कीमा कर लिया है। अब इसमें हम डालेंगे मिर्ची। मिर्ची को अच्छी तरीके से पहले फाड़ लेंगे इसको और फिर इसको फाइन चॉप कर लेंगे और फिर डालने वाले हैं इसमें। मैं आज इसे इंडक्शन चूल्हा में बनाने वाला हूँ, जो हम लोग का इलेक्ट्रॉनिक जो चूल्हा जो स्टोव होता है उसी पे हम खाना बनाने वाले दोस्तों। इतना भी आसान नहीं है उस पे खाना बनाना। तो मैं आज ट्राई कर रहा हूँ कि मैं खाना इस पे बना पाता हूँ कि नहीं बना पाता हूँ। हम लोग होटल में बनाते हैं, वहाँ का गैस का जो फ्लेम होता है वो बहुत ही हाई होता है और यहाँ का घर का एकदम बहुत ही स्लो होता है। तो मैंने यहाँ पर धनिया का पत्ता भी थोड़ा सा ले लिया हूँ। अब थोड़ा सा इसको कीमा करके और इसमें डाल दिया हूँ। अब इसको हम मैरिनेट करेंगे अच्छे तरीके से। इसको हम मैरिनेशन करेंगे दोस्तों। सबसे पहले इस तरीके से डालने के बाद इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और फिर इसमें हम डालेंगे मसाला। तो मेरे घर पे करी पत्ता का पेड़ है तो इसमें थोड़ा करी पत्ता भी डाल देते हैं। करी पत्ता का पेड़ इसको हम तोड़ लेंगे और आज हम ऐड करने वाले हैं फ्रेश करी लीव्स। थोड़ा सा करी लीव्स लेंगे देखिए, है ना। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। करी लीफ थोड़ा सा डालेंगे। तो मेरे घर पे करी पत्ता था, मैंने थोड़ा सा करी पत्ता भी इसमें ऐड किया फ्लेवर के लिए, जो कि बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है करी लीव्स का। तो इसके बाद हमने यहाँ पे थोड़ा सा मसाला डालेंगे। सबसे पहले यहाँ पे डालेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा इसमें डालेंगे हम जीरा पाउडर। उसके बाद इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा इसमें धनिया पाउडर और इसमें हम डालेंगे फिर हम रेड चिल्ली पाउडर, जो हम लोग का मिर्ची पाउडर होता है स्पाइसी वाला, थोड़ा सा डाल देना है। मैंने यहाँ पे हरी मिर्च भी डाला था तो थोड़ा सा ही डालना है इसको। आप अपने स्पाइसी के हिसाब से आपको डालना है। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा डालेंगे मीट मसाला। ये मटन मीट मसाला दोस्तों, ये स्पेशल मसाला है। उसके बाद इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर नमक भी डालेंगे। डालने के बाद दोस्तों अच्छी तरीके से इसमें एक अंडा डालेंगे और डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक अंडा भी डाला है, क्योंकि अंडा अगर हम नहीं डालेंगे तो फिर अच्छी तरीके से ये पकड़ेगा नहीं। तो अंडा डाल के इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे बेसन डाला है दोस्तों। बेसन डालने के बाद इसको क्या करेंगे, अच्छी तरीके से फिर मिक्स करके उसको हम टिक्की बनाएंगे। दोस्तों ये हम क्या बना रहे हैं आपको बता दे रहा हूँ अभी। ये हम मटन का टिक्की बना रहे हैं, जो देसी जो गाँव स्टाइल में जो टिक्की जो होता है ना दोस्तों, ये मटन टिक्की, आप इसे सामी कबाब भी देसी स्टाइल में बोल सकते हैं, क्योंकि सामी कबाब का रेसिपी बहुत अलग है। बट इसे हम मटन टिक्की और मटन सामी कबाब देसी स्टाइल का ही नाम से जानते हैं। आप अपने कमेंट करके बताना है कि आप इसे क्या नाम देना चाहते हैं, और कभी भी आपने घर में ये वाला चीज़ अगर ट्राई किया तो इसका नाम क्या है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर हम इसको इस तरीके से गोल गोल करके इस तरीके से बना लेंगे। बनाने के बाद दोस्तों फिर इसको हम अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे। तो पहले इस तरीके से टिक्की बना लेना है, गोल गोल करके अच्छी तरीके से हम टिक्की बना लेते हैं। तो हमने एकदम राउंड राउंड शेप करके और इस तरीके से हमने यहाँ पे टिक्की को बना लिया है। अब इसको क्या करेंगे, हम एकदम मस्टर्ड ऑयल से फ्राई करने वाले हैं, जो सरसों का तेल होता है दोस्तों, जो घर में जो गांव में जो सरसों का तेल होता है, जिसे सरसों का तेल से पूरा खाना बनाया जाता है,
तो मैं यहाँ पे एकदम प्योर सरसों का तेल लिया हूँ और सरसों का तेल में ही इसको हम एकदम अच्छी तरीके से फ्राई करने वाले हैं दोस्तों। तो बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने यहाँ पे नॉनस्टिक को गर्म करके मैंने यहाँ पे सरसों का तेल डाला है। डालने के बाद क्या करेंगे, ये अच्छे से गर्म होने के बाद फिर हम इसको एक एक करके डाल देंगे। तो जितना भी हमने टिक्की बना के रखा था सब एक एक करके अच्छी तरीके से डाल देंगे। यहाँ पे स्पेस बना के मैंने सब अच्छी तरीके से सब टिक्की को आराम से डाल देंगे और ये पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो गैस या फिर आपका इंडक्शन जो भी है इसको थोड़ा सा स्लो कर देना है यार, इसको एकदम स्लो फ्लेम में पकाना है दोस्तों, आपका कट मटन का एकदम आराम से पक जाएगा। घर पे खाना बनाना इतना भी आसान नहीं दोस्तों, क्योंकि मैं ये वीडियो को बहुत ही मुश्किल से रिकॉर्ड किया और बहुत ही मेरे को मुश्किल हुआ ये खाना बनाने में दोस्तों, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। एक दिल से लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर वीडियो अच्छा लगे तो। तो फाइनली हमारा जितना भी मटन जो टिक्की था हमने सब डाल दिया था। डालने के बाद दोस्तों अब ये हमको हम इसके क्या करेंगे, अच्छी तरीके से एक एक करके इस तरीके से उल्टा पलटा कर लेंगे ताकि हमारा दोनों साइड से टिक्की अच्छी तरीके से पक जाए। पकने के बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा सा फ्लेम को एकदम स्लो कर दिया है इसको, क्योंकि इसको आराम से हम पकने के लिए देंगे और ये बहुत ही समय लगता पकने में। फिर एक एक करके यहाँ पे मैंने इस तरीके से पलटी कर लिया है। तो अब ये हमारा मटन जो टिक्की है एकदम फाइनली हो चुका है, तो अब इसको हम देख लेते हैं और फिर क्या करेंगे, एक प्लेट में खाली कर लेंगे दोस्तों। एकदम ब्राउन कलर का हो चुका है, आप देख सकते हैं वीडियो में बहुत ही बेहतरीन से बनाया। और कमेंट करके ज़रूर बताना यार कि मैंने जो घर पे खाना बना पाया कि नहीं बना पाया और ये मटन टिक्की कैसा था, आपको पसंद आया कि नहीं आया दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताना। क्योंकि मैंने बहुत ही मुश्किल से इस वीडियो को रिकॉर्ड किया और बहुत ही मुश्किल से मैंने ये खाना को बनाया, तो प्लीज़ एक दिल से लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना वीडियो अच्छा लगे तो। तो आप देख सकते हैं फाइनली हमारा हो चुका है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।